प्रदेश के एटा जिले में शुक्रवार देर रात एक साधु की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम तब दिया गया जब साधु छत पर सो रहा था। सूचना मिलने पर एसएसपी उदय शंकर सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से आला कत्ल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। मंदिर का दूसरा पुजारी फरार है। बता दें कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नगला जगरूप में एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर में 52 साल के साधु कृपाल सिंह रहते थे। शुक्रवार को मंदिर के छत पर वह सो रहे थे। देर रात कृपाल सिंह की सोते समय कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह जब श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे तब मामले की जानकारी हुई। सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर खुलासे के निर्देश दिए। आनन फानन में फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई। पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मंदिर का दूसरा पुजारी हिम्मत सिंह गायब है, उसकी भी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज की खबर।